तो दोस्तों कैसे हो जी भाई, आप सभी लोग। और भाई आज मशीन को साफ़ करना था, मतलब धोना था उसको, क्योंकि दिवाली आ रही है, क्योंकि भाई इसलिए धोनी थी। और आज इसका इंजन ऑयल आएगा एक तो, और एक हाइड्रोलिक आएगी बाल्टी, ठीक है भाई। और मैंने सुबह सुबह ये काम कर दिया, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये जो मलबा पड़ा था ना यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया पूरा इसके अंदर। और फिर अभी ये थोड़ा ही रह रहा गड्ढा, वो जो मलबा है और थोड़ा बहुत ये है, ये मैंने इसलिए वो नहीं किया। यहाँ पे चौके पड़े हैं ना, ये हटवाने पड़ेंगे यहाँ से। फिर इसके बाद इसको भी डाल दूंगा इसके अंदर। ये थोड़ा ही रह रहा है, अब ज़्यादा नहीं है। और कुछ वो मलबा है वहाँ पे 10 ट्रॉली, तो वो भी डाल दूंगा इसके अंदर। तो फिर ये फुल हो जाएगा यहाँ पे। और भाई एक बार रेवाड़ी जाऊँगा आज शाम को, फिर इसका एक हाइड्रोलिक। तो अभी तो भाई पैसे नहीं है इतने हाइड्रोलिक के, तो इंजन ऑयल तो लेके ही आऊँगा आज, क्योंकि इसका जो आवाज़ है ना यार इंजन की, वो थोड़ी सी हार्ड हो रही है। इसका इंजन ऑयल ड्रेन कर दूंगा, ये सिर्फ 50 घंटे चला हुआ है इंजन ऑयल, तो इसको ड्रेन कर दूंगा, या फिर काम आ जाएगा ट्रैक्टर ट्रुक्टर में। ट्रैक्टर की सर्विस होनी है पुराने वाले ट्रैक्टर की, तो उसके अंदर काम आ जाएगा ये इंजन ऑयल। तो दोस्तों एक काम आया था भाई अपने कहीं पे, एक जो केबल होती है ना, जो बिजली वाली केबल होती है, वो कट गई, तो वो फोन किया, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ वहीं पे, तो भाई यहीं पे है वो जो केबल कट गई ना टीवी वाली, वो खोद के आनी है एक, यहीं पे बता रहा था वो लड़का, वो खड़ा वहां पे, वही है कौन सी है केबल कट के पूछूंगा उसी से ही। तो भाई यहाँ पे है ना, देखो ये खड्डा खोदना है यहाँ पर, एक उस कलवर्ट की उस साइड खोदना है। इनकी एक जो केबल होती है ना, जो टीवी वाली जो केबल होती है, वो कट गई है, पता नहीं इनको। तो भाई ये वाली जो केबल थी ना, ये वाली कट गई, ये देखो पड़ी ना, ये वाली केबल कट गई यहाँ से, ये साइड भी और वो वाली साइड भी, ठीक है। बस यही काम था यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये काम था भाई, यहाँ से ये खोद दिया, यहाँ से ये कनेक्शन हो जाएगा इसका केबल का वहाँ से, और फिर वो गड्ढा, ठीक है। बस ये काम था 15-20 मिनट का। तो ठेकेदार आ जाओ ये भी, उसके बाद
तो भाई मैं आ गया हूँ अपने स्कूल पे। ठीक है, मशीन खड़ी है और भाई आज भी ट्रैक्टर फ्री ना है, क्योंकि एक टैंकर भर के आता पानी का और ये वाश होती मशीनें दोनों। भाई ट्रैक्टर फ्री ना मिल रहा बिल्कुल भी, तो अब कल ट्राई करते एक बार सुबह सुबह, फिर देखते हैं। अगर ट्रैक्टर अगर फ्री हुआ तो फिर मैं सुबह सुबह भर लाऊंगा एक टैंकर को, उसके बाद फिर धोएंगे मशीन को। ठीक है भाई। तो भाई मेरे हिसाब से है ना, ये वाले जो पिन है ना मशीन की, मेन पिन जो केपीसी की है, ये भाई आधी कट चुकी है मेरे हिसाब से, आधी यहाँ से, क्योंकि बूम ऐसे ऐसे हिलता है, तो उसका यही कारण है कि ये पिन है ना आधी कटी हुई है। तो एक ये पिन है ना बदलनी बहुत जरूरी है इसमें यार, ग्रीस करने का बहुत वो है, ग्रीस होती भी है फिर इतनी कुछ हो खास नहीं होती। अगर पिन की बजाय जो ग्रीस के जो होल है ना वो यहाँ पे होता ना इसमें मशीन की जो केपीसी में इसमें होल होता तो अच्छा रहता। तो भाई अब तो ये एक तो ये पिन दिल्ली से आएगी, अगर यहीं रेवाड़ी मिल जाती है तो अच्छा है, नहीं तो भाई ये ओरिजिनल पिन आएगी, ओरिजिनल पिन ही काम देगी इसमें। ये केपीसी की जो मेन पिन है ना, ये जॉइंट की, इसमें ओरिजिनल पिन ही आती है। और तो भाई ये पिन भी ठीक है, ठीक है पिन तो ये सारी ठीक है, बस इसके बुश कटे हुए हैं, एक तो ये बकेट की पिन का और एक ही एच लिंक का बुश है ना, ये कटा हुआ है बस। और दोस्तों कल करेंगे अपनी मशीन को वॉश, ठीक है, क्योंकि आज भी ट्रैक्टर अवेलेबल तो है नहीं यहाँ पे, तो कल धो देंगे इसको अच्छे तरीके से। और भाई शायद इसका जो रेडिएटर है ना भाई वो भी लीक हो चुका है, ये देखो पानी गिर रहा है यहाँ से, इसके रेडिएटर में से पानी आ रहा है, तो इसका रेडिएटर भी लीक है, रेडिएटर भी खोलना पड़ेगा एक बार, उसके बाद ही काम चल पाएगा। सर्दियों में तो इतनी वो नहीं है दिक्कत, बाकी गर्मियों में ना भाई बहुत ध्यान रखना पड़ता है पानी का, स्पेशल रेडिएटर का पानी। अभी मैंने इसको फुल भरा था सुबह, तो अब कितना हुआ है ये देखते हैं भाई, अभी इतना है पानी तो है पर कम है पानी। रेडिएटर को भी भाई खोलना पड़ेगा, अभी बहुत मेंटेनेंस का काम बाकी है इसमें। एक तो ये देखो इसकी बुश, बकेट की बुश, एक वो पिन, एक ऊपर की केपीसी की पिन, ठीक है, दो तीन चार काम, ठीक है, और एक रेडिएटर पांच, और एक भाई इसका जो शीशा छः, एक इसका इंजन ऑयल बदलना, और एक हाइड्रोलिक की बाल्टी आएगी। तो भाई काम तो बहुत है इसमें अभी, चलो देखते हैं भाई क्या कुछ होता है। और भाई एक बात और, मशीनें तब तक चलती है
जब तक उनकी मेंटेनेंस होती रहे। ये पुरानी है, अगर आप बिल्कुल फ्रेश मशीन की अगर आप मेंटेनेंस नहीं रखोगे ना तो फिर वो भी ख़राब हो जाएगी, जल्दी पुरानी हो जाएगी वो भी। ठीक है भाई, तो इसलिए मशीन का, जो भी मशीनरी आपके पास, गाड़ी हो मशीन हो, उनका मेंटेनेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो भाई आज का व्लॉग इतना ही था बस। ठीक है, अभी तो कुछ काम है नहीं, शाम हो रही है, 5 बज रहे हैं, और भाई कल का प्रोग्राम है पूरा पूरा इसको धोने का मशीन को। ठीक है, और इसका एक इंजन ऑयल भी आएगा यार, और इसका इंजन ऑयल आएगा कल। ठीक है, ये दो काम तो बिल्कुल पक्का करने, 100% ये ज़रूरी है बहुत, क्योंकि इसकी जो एक दो पाइप जो है ना, जिसका रबड़ रिंग कटा हुआ है, वो तभी खुलेगी जब ये वॉश होगी मशीन, क्योंकि वहाँ पे बहुत मिट्टी जमी हुई है उस पर। तो भाई मिलते हैं आपको कल एक और व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में। ठीक है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। ठीक है, बस भाई आज का व्लॉग इतना ही था।